राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आसाम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा, 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 29 सेकंड्स में, जैसा कि मैंने आपको अभी 29 स्टेट्स के नाम बताए हैं, बिना किसी स्टेट का नाम रिपीट किए या बिना किसी स्टेट का नाम भूले, ऐसा आप भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इस ट्रिक को सीखने के लिए वीडियो पूरा पूरा जरूर देखें, बिना किसी स्किप किए, बिना आगे बढ़ाए वीडियो को पूरा वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ये ट्रिक आपको अपनी पूरी लाइफ काम आने वाली है। आप चाहे जो कोई भी हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या किसी सर्विस में हैं, बट आपको ये 29 स्टेट्स के नाम जरूर पता होने चाहिए। हमें सभी को ये स्टेट्स के नाम पता होते हैं, हमारे लिए कोई भी स्टेट नई नहीं है, बट जब बात आती है एक साथ 29 स्टेट्स का नाम बताने की, तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। जनरली हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम स्टेट्स के नाम बताने लगते हैं तो कभी कभी किसी किसी स्टेट का नाम कई बार, दो बार, तीन बार रिपीट कर देते हैं, किसी स्टेट का नाम भूल जाते हैं, बट जो भी हो 29 स्टेट्स का नाम एक साथ नहीं बता पाते हैं। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी ट्रिक, जिस ट्रिक को सीखने के बाद आप पूरी लाइफ, बुढ़ापे तक, मरते दम तक भारत की इन 29 स्टेट्स के नाम नहीं भूल पाएंगे। और हाँ, मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये ट्रिक मेरी नहीं है, ये ट्रिक आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, ये ट्रिक ली गई है रामायण से। जी हाँ, रामायण, जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। उस रामायण में दो पंक्तियां, दो लाइन उसमें कुछ ऐसी हैं जिन्हें याद करके आप 29 स्टेट्स के नाम तुरंत फ्लुएंट, बिना किसी रुके आप बोल सकते हैं। उन दो लाइनों के अंदर सिर्फ 29 अक्षर हैं, 29 अक्षर, छोटी सी दो लाइनें, हर एक शब्द से एक स्टेट का नाम बनता है। आइए शुरू करते हैं। हजारों साल पहले हमारी रामायण में दो पंक्तियां ऐसी लिख दी गई थी जिनका हर शब्द हमारे भारत की हर एक स्टेट से जुड़ता है। उन दो पंक्तियों के अंदर कुल मिलाकर 29 ही अक्षर हैं, और उन 29 अक्षरों से बनते हैं हमारे भारत की 29 स्टेट्स के नाम। वो पंक्तियां हैं, राम नाम जपते अत्रि मत गुसी आऊ, पंक में उगो हमी अही के छवि जाऊ। जब मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम ये पंक्तियां पढ़ी थी, समझी थी कि इन दो पंक्तियों में छुपे हुए 29 अक्षरों से 29 स्टेट्स के नाम बनते हैं, तो मैं खुद बड़ा शौक हो गया था। आप इन दो पंक्तियों को चेक करके देखिएगा, इनका हर एक शब्द यूं की यूं एक स्टेट का नाम बनाता है। पहला शब्द राम, रा से राजस्थान, मैं से महाराष्ट्र। नेक्स्ट नाम, राम नाम, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर। जपते, जय से जम्मू कश्मीर, पै से पश्चिम बंगाल, ते से तेलंगाना। राम नाम जपते, राम नाम जपते, इन तीन शब्द में ही सात स्टेट के नाम आ गए हैं। ऐसे ही आप आगे जब पूरा ये दो लाइनें पढ़ेंगे, हर एक शब्द से एक स्टेट का नाम बनता है। आपको सिर्फ करना इतना सा है कि ये दो लाइन आपको याद कर लेनी है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन है कि किस शब्द से कौन से स्टेट का नाम बनता है। आपको इतनी स्टेट्स का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई स्टेट का नाम रिपीट करना पड़ेगा, ना कम ज़्यादा होगा, ना कोई स्टेट का नाम आप भूलेंगे। सिर्फ आप ये दो लाइन याद कर लीजिए, और ये भी एक गुनगुनाते गाने की तरह आप याद कर सकते हैं। भगवान का नाम लेना भी हो जाएगा और साथ में स्टेट्स के नाम भी याद हो जाएंगे। मैं एक बार दोबारा सुना देता हूँ आपको ये दो लाइनें। राम नाम जपते अत्रि मत गुसी आऊ, पंक में उगो हमी अही के छवि जाऊ।
हम में से काफ़ी लोगों को ये लाइंस वैसे तो पहले से याद होगी, बट हो सकता है आज की जनरेशन के लोगों को जिनको रामायण पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें ये लाइन पहली बार सुनी हो, बट आप ये लाइन अपने पेरेंट्स अगर शेयर करेंगे, पेरेंट्स कहेंगे हाँ ये लाइन तो रामायण में है, ये पंक्तियाँ रामायण में है, तो आप मान के चलिए उन लोगों को तो पहले से ही हमारे 29 स्टेट्स का पता था और 29 स्टेट्स का नाम बोल सकते हैं। तो बस देर किस बात की, आप भी याद कर लीजिए ये दो लाइन, राम नाम जपते अत्रि मत गुसियाऊ, पंक में उगो हमी अही के जभी जाऊ। तो फ्रेंड्स ये थी ट्रिक, सिर्फ आप ये पंक्ति याद कीजिए और ये ट्रिक खुद को तो सीखिए ही सही, उसके साथ में आपके साथ वालों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।